महंगाई को लेकर कांग्रेस पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने आह्वान किया था पूरे देश में कि महंगाई को लेकर हमें विरोध प्रदर्शन करने और 31 मार्च से प्रारंभ कर 7 अप्रैल तक के कार्यक्रम निर्धारित किए गए। उसमें आज पहली कड़ी में 31 मार्च को कार्यक्रम पूरे देश में आयोजित किया गया है, विरोध प्रदर्शन किए गए हैं। उस कड़ी में आज BHEL में भी एक कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोगों ने भाग लिया और पेट्रोल डीजल और गैस के दाम जो बेहताशा वृद्धि हुई है उससे जो आमजन परेशान हुआ उसको लेकर आवाज़ उठाई है, नारेबाजी की है, विरोध प्रदर्शन किए हैं। और इन महंगाइयों से पेट्रोल डीजल के रेट बढ़ने से जो आम जन के जो ज़रूरत की वस्तुएं हैं उन सबके रेट प्रभावित होते हैं और बढ़ते हैं, तो इससे आमजन हर वस्तु को लेकर प्रभावित हुआ है। और कांग्रेस ने फैसला लिया है, अभी तो 7 तारीख तक का कार्यक्रम अभी निर्धारित किया गया है और डिले किया गया है। अभी 7 तारीख तक ये कार्यक्रम करने के बाद अगर फिर भी जो केंद्र की और प्रदेश की भाजपा सरकार बैठी हुई है अगर उसने समय रहते हुए इस पर विचार नहीं किया और इन कीमतों में जो वृद्धि की गई उसको वापस नहीं लिया तो इन कार्यक्रमों को कांग्रेस और आगे बढ़ाएगी और सड़कों पर उतरकर आंदोलन करने का काम करेगी। तो क्या विधानसभा चुनाव के बाद जैसे आज आपने ये कार्यक्रम किया है, क्या आपकी सक्रियता पूरे 5 साल देखने को मिलेगी राजनीति में? पूरी तरह से दिन रात मुझे और कोई काम ही नहीं, मुझे आम जन को राहत दिलाने के लिए कांग्रेस को मजबूत करने के लिए हर समय सड़कों पर रहूँगा और 5 साल नहीं आजीवन मैं इस कांग्रेस के लिए काम करता रहूँगा, कांग्रेस को मजबूत करूँगा और आने वाले समय में जब तक कांग्रेस की सरकार नहीं आएगी मैं चैन से नहीं बैठूंगा। केंद्र में भी कांग्रेस की सरकार 2024 में आने जा रही है और आने वाले समय में प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार आएगी। आम जन के सामने जो जुमलेबाजी भाजपा ने की है और जो इन कीमतों में जो वृद्धि हुई है पेट्रोल डीजल और गैस में जो रोक लगाई थी सिर्फ वो चुनावी हथकंडा था उनका, चुनावी हथकंडा पूरा हुआ, रिजल्ट आते ही परिणाम आते ही फिर उन्होंने वो वृद्धि प्रारंभ कर दी जिसको लेकर आज आमजन आक्रोशित है, तनाव में है और वो कह रहा है कि हमने गलती कर दी भाजपा को वोट देकर, भाजपा को चुनकर। कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो आमजन को साथ लेकर चल सकती है, आमजन के विकास की बात कर सकती है। ठीक जी, क्या नाम है आपका? किरण चौहान। किरण जी, आज जो प्रदर्शन किया आप लोगों ने महंगाई का और गैस सिलेंडर को लेकर, इस पर क्या कहेंगे? देखो दिन पर दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, गैस सिलेंडर के दाम देखो 50 रुपये इतनी जल्दी बढ़ाए, पेट्रोल डीजल के दाम कितनी जल्दी जल्दी बढ़ा रहे हैं ये लोग, इनको सिर्फ वोट चाहिए जनता से, महंगाई से कोई मतलब नहीं है किसी से, जनता मरे भूखी मरे कोई मतलब नहीं है इन लोगों को। तो जैसे आपके किचन में कितना प्रभाव पड़ा है इसी महंगाई से लेके? बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है, बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है हमारी महंगाई पे।